भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया। जो गणेश परिक्रमा कर सके, जो बड़े नेताओं की चमचाई कर सके, वैसे लोगों की पहचान है, वैसे लोगों का प्रमोशन होता है। जिस तरह चंपाईश्वरन जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईजेक करना। झारखंड में पहले चरण के मतदान से पहले ही रूठने और मनाने का मौसम शुरू हो गया है। राजनीतिक आबो हवा में टिकट से वंचित आवाजों का शोर है, तो वहीं दूसरी ओर टिकट पा चुके नेताओं के जयकारों से माहौल में उत्साह है। सियासत के दरिया में एक तरफ जहां पर आंसुओं की धार है तो दूसरी तरफ उत्साह की भी लहर है। चुनावी मौसम में दल बदलने का दौर भी जारी है। कल तक जो नेता बीजेपी का सच्चा सिपाही खुद को बता रहे थे, आज वही नेता की नीतियों और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं, लेकिन 24 साल से अनवरत पार्टी का हर छोटा बड़ा काम में साथ देने वाले और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया। जो गणेश परिक्रमा कर सके, जो बड़े नेताओं की चमचाई कर सके, वैसे लोगों की पहचान है, वैसे लोगों का प्रमोशन होता है। जिस तरह चंपाईश्वरन जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईजेक करना, इसके कारण हमने पार्टी से त्याग देकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य हमने ज्वाइन किया। सबसे पहले हम बात करते हैं संताल से, जहां पर बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। यहां से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देकर जेएमएम का दामन थाम लिया है। पार्टी को भेजे गए अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा है कि दूसरे दलों से आए नेता बीजेपी में हावी हो गए हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता लगातार दल में उपेक्षित हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कद्दावर नेता सत्यानंद बाटुल ने भी बीजेपी की नीतियों से नाराज होकर पार्टी का दामन छोड़ दिया है। सत्यानंद बाटुल का कहना है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद कोई भी दागी नेता क्लीन हो जाता है। मैंने अपने खून और पसीने से पार्टी को सींचा है, लेकिन पार्टी ने मुझे चुनाव में दरकिनार करते हुए दूसरे को टिकट दे दिया। पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं और एक हर हवा पानी ईटा पत्थर हर चीज से एक चीर परिचित हम वहां से हैं, तो इसीलिए हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया, तो इसीलिए हम निर्णय ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है। वहीं कोल्हान में भी बीजेपी ने अपने दो दिग्गज नेताओं को खो दिया है। जी हम बात कर रहे हैं कुणाल सारंगी की। एक समय था जब वो संताल में जेएमएम के कद्दावर नेता माने जाते थे, वहां से जेएमएम की टिकट पर विधायक भी बने, लेकिन बाद में मान सम्मान की चाह में बीजेपी की ओर रुख कर लिया, लेकिन यहां पर भी उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, जिसके बाद दोबारा उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम का दामन थाम लिया। जेएमएम में शामिल होने से पहले उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला कि बीजेपी के अंदर गणेश परिक्रमा करने वाले और बड़े नेताओं की चाटुकारिता करने वालों की आवश्यकता है, उनकी ये घर वापसी है और इस बात से वो बेहद खुश हैं। वहाँ पर काम करने वालों की, जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। जो स्पष्ट रूप से अपनी बात रखे वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो जो गणेश परिक्रमा कर सके, जो बड़े नेताओं की चमचाई कर सके, वैसे लोगों की पहचान है, वैसे लोगों का प्रमोशन होता है। और ऐसे लोग जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो शायद पंचायत का एक चुनाव भी अपने जीवन में नहीं जीते हो, वो राज्यसभा के सीटों की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं इस पार्टी में, ऐसे लोगों की वहाँ पर उनका मान सम्मान है, उनको प्रमोशन मिलता है। मेरे घर में वापस आने की वजह से ऐसा है, और जिन कारणों से दिग्भ्रमित होकर कुछ दिनों मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, ये मेरे लिए प्रायश्चित का समय है।
मैं अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सहयोगियों से भी मैं खेद व्यक्त करता हूं, अगर मेरे कारण उन्हें कभी लगा हो कि मैंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जिससे उन्हें लगा हो तो मैं उसके लिए भी खेद व्यक्त करता हूं। और आज परिवार में मेरी वापसी हुई है, मैं हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे परिवार में वापस शामिल किया और झारखंड के विकास में जो लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में सहभागिता करने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। गणेश महली भी कोल्हान में बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते थे, लेकिन चंपई सोरेन के आने के बाद बीजेपी ने गणेश महली को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद से गणेश अपने आप को अपेक्षित महसूस करने लगे। गणेश महली ने कहा कि चंपई सोरेन बीजेपी में आकर पार्टी को हाईजैक कर लिए हैं, जिस वजह से पार्टी दिशाविहीन हो गई है। उन्होंने जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की है, हेमंत सोरेन और पार्टी को जिस रूप में आवश्यकता होगी वो काम करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह चंपई सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईजेक करना, इसके कारण हमने पार्टी से त्याग देकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य हमने ज्वाइन किया और आगे पार्टी जो तय करेगा, पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। बहुत लोग आए हैं सरायकेला से, देखिए तो आपको हेमंत को तय करना किसको चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग पार्टी में सम्मिलित हो गए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं, आगे दादा का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। दल बदल के इस खेल में इस बार जेएमएम बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी पार्टी आज खुद ही परिवारवाद की राजनीति में फंस गई है। शायद इस बात से नाराज होकर सैकड़ों कार्यकर्ता दूसरे दलों की ओर रुख कर रहे हैं। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।